अब रास्ते में बोला आज कुंडा के बाबूगंज बाजार में एक शराब की फैक्ट्री जिसमें कुछ देशी शराब है और कुछ विदेशी शराब है और गत्ते शीशियां और रैपर्स बारकोड ये सारी चीज़ें मिली हैं और ये एक तरह से ये फैक्ट्री का काम कर रहे थे। यहाँ भी नकली शराब है जो काफ़ी बड़ी संख्या में, ये लगता है 100 पेटी से ज़्यादा है, 140 पेटी है जिसको यहाँ पर बनाना और उसको स्टोर करने का काम किया जा रहा था। ये गोडाउन बंद था, हम लोग देख रहे हैं कि ये किसका गोडाउन है, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और ये बड़ी रिकवरी हुई, इसके बगल में भी एक दुकान है जहाँ पर कि विदेशी शराब के साथ देशी शराब और लगभग वहाँ पर 1000 पेटी से ज़्यादा शराब की मात्रा मिली है। और ये बहुत बड़ा गैंग है जो ये सारा काम कर रहा था और लगातार जब से पुलिस की सक्रियता बढ़ी एक्साइज की, हम 4 दिनों से ये चौथी रिकवरी है, बड़ी रिकवरी है, इसको हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि और भी कहीं इस तरह की जो अवैध शराब है उसको छिपा करके इसका व्यापार कौन लोग कर रहे थे और इसमें जिन जिन लोगों का नाम आएगा उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई और इनके 14 के तहत इनकी सारी प्रॉपर्टी को सीज करने की कार्रवाई और ये जो गैंगस्टर्स ये कार्य कर रहे थे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।